नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अगडाल गांव की है, जहां श्याम किशोर तिवारी के घर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने डकैती डाली है। बताया जाता है कि रात्रि में घुसे बदमाशों ने बंदूक की नोक पर परिवार को अपने कब्जे में ले लिया और घर में रखी पेटी, नकदी और मोबाइल लेकर रफचक्कर हो गए। दरअसल सेंध लगाकर घुसे बदमाशों की आहट पाकर घर के लोगों की नींद खुली तो आधा दर्जन आरोपियों ने मारपीट करते हुए एक बच्ची और बच्ची के पिता अशोक तिवारी और अन्य लोगों को बंदूक और चाकू की नोक पर बैठा लिया, जिनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते रहे। पीड़ित ने बताया कि सुबह जानकारी हुई कि घर में रखी सूटकेस उठाकर ले गए, जो सड़क पर पड़ी मिली है, जिसमें 12,000 नकदी, जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। इतना ही नहीं, बदमाश जाते जाते अशोक तिवारी के 2 मोबाइल भी छीन ले गए। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं स्थानीय लोगों के साथ पीड़ित परिवार का क्या कहना है। अंदर ले ले, अब बाहर से आ जाए। ये सेंध करी हूँ। हाँ, अब अंदर आ जाए। ये पाइप वाइप सब नई रही, सब प्राचीन पूजन ही रात के ही। ये जो की पेटी है सामने और आगे चली गई, अंदर चली गई। यही तख्ता के नीचे ये पेटी रखी गई, ये पेटी निकाली। एक ही बार ये गेट पे जो उन्हें तो हटका निकाली, या हटका निकाली आपकी गेट खुल गई, या ऐसे ने पोजीशन में गेट रहा है। ये आदमी के जो उन तो बंदूक कर ली, हटाया यार उन से, ऐसे ही चली। हाँ, ये कल रात कितने बजे तुम जागी, जब ये क्या कह रहे थे? 1 बजे। क्या कर रहे थे फिर जो आए थे? वो आए थे तो मेरे गले में ऐसे इतने चाकू किए थे, बोलेंगे अगर हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। कितने लोग थे, देखी थी? मैं एक लोग को बस देखी थी। अच्छा, और कुछ नहीं कह रहे थे? नहीं। हाँ, केवल गले में चाकू लगाए थे और चले गए फिर? 5 लोग इतने जगह में सब कम्प्लीट थे, एक हमको बंदूक बताया था। आपका नाम क्या है? अशोक तिवारी। पिताजी का नाम? श्याम किशोर तिवारी। कल आपके रात के घर में घटना कैसे घटी, क्या हुआ? रात में जो है तो सेंध करके करीबन 5 लोग तो मौके पे थे, और एक रात में ब्लोरो जो है तो हमको आधे घंटे जब हम लोग बाहर निकले हैं तो एक आधे घंटे बाद ब्लोरो बाहर गई है। एक आदमी पिताजी के कमरे से पेटी लेके गया है। अब 5 लोग वारदात यही मौके में थे। एक आदमी हमको ऊंचाई यहाँ पे खड़ा था तो हमको उचाया, फिर एक आदमी जो है तो बंदूक दताया था, हम यह लेते थे, एक बंदूक दताया, एक जो टायर वालों बिहारी के चाकू होती है वो चाकू लेके वो दताया था, एक आदमी वो हटका लेके खड़ा था, और एक आदमी लास्ट में था, वो बड़ा झंझा था, वो गुट्ठा वाला झंझा, तो हमारे सर पे यहाँ पे मारा। फिर इसके बाद जब हम जगे तो हमारा मुंह दाब दिया, हमको गाली दिया कि हम जान से मार देंगे, हल्ला मत करना। हमको बैठा के यहाँ पे ऐसे बैठा के, और हमारा ये दोनों हाथ पीछे करके बांधा। एक बार छुड़ाए, हम उससे बोले भैया हमको पिशाब लगी, पिशाब तो करने दो, तो बोला कि तेज नहीं जाएगा, हल्ला करेगा मैं जान से मार दूंगा। बार बार मेरे बंदूक दताता। बंदूक कौन लिए थे, कट्टा लिए थे कि बड़ी? वो इतनी बड़ी, वो एक हाथ की करीबन पतली बंदूक थी। हाँ। और बार बार हमको दताता कि हम मार देंगे। और इसके बाद हमको एक मुंह मतलब एक लड़का छोटी कांटी का था, जिसका चप्पल वो वहां से चढ़ा है, वो चप्पल सामने मौके पर था, वो पड़ा है, ये चप्पल पड़ा है, वो तख्ते में चढ़ा है, हमको बांधा है। अब बांध के इसके बाद जो है तो एक गए हैं पिताजी के कमरे में, 3 जो है तो वो अंदर गए हैं, एक वो लड़का खड़ा था यहाँ, तो हम खड़ा होके उसको धक्का मारे, और वो गेट हमारा खुला था तो हम बाहर निकले हैं। बाहर जा रहे थे, मारपीट के दौरान मारपीट कर रहे थे, हम जान से मार देंगे, हल्ला मत। और कुछ कह रहे थे? केवल मारपीट कर रहे थे, कुछ और मांग रहे थे? नहीं, मांगे कुछ नहीं। हम बोले उनसे कि भैया आप कौन हो, कैसे आए हो, क्या चाहिए, कुछ नहीं बोले, सिर्फ ये बोले कि हम जान से मार देंगे तेरे को, हल्ला करेगा जान से मार देंगे, और कुछ नहीं। मेरा यहाँ पे मोबाइल रखा था,
मोबाइल ले गए हमारा, ले क्या क्या गए हैं आप यहाँ से? मोबाइल दो, एक हमारा ले गए, एक मैडम के कमरे में वो खुला तो वहाँ गए हैं, वो बच्ची का जो है तो चाकू लगाए हैं कि हम हल्ला करेगी तो हम जान से मार देंगे। फिर वो दो मोबाइल ले गए, पिताजी की पेटी पहले ले गए, उससे 10,000 से 12,000 रुपये थी, वो पुल के पास पड़ी थी, वो सुबह जानकारी मिली तो हम लोग पेटी जाके 4-5 लोग गए और वहाँ से पेटी लेके। आपकी दो मोबाइल गई है जी और एक पेटी में 12,000 रुपये जी, पेटी में 12,000 रुपये था। इसके बाद पेटी का पूरा रिकॉर्ड जो है तो किसके किसके साथ मारपीट हमारे साथ किए हैं, बच्ची के साथ, बच्ची के साथ, बच्ची के गले में चाकू लगाए हैं फिर छोड़ दिए। अच्छा, बच्ची से कुछ नहीं बोले? नहीं, बच्ची से बोले कि हल्ला करेगी तो हम जान से मार। और पत्नी परिवार से कुछ भी? पत्नी को ढोंस दिए हैं, पैसे वैसे गहना होना मांग रहे थे? नहीं, और कुछ नहीं मांगे हैं, केवल मारपीट, मारपीट किए हैं, कुछ नहीं मांगे हैं। अब हमको यहाँ बंदी बना के रखे थे, बाकी जो करते तो इसी मतलब उसको हम एक को ढोंस के और बाहर निकल गए, और बाहर हल्ला कर दिए तो हमारे पीछे पीछे दो लोग निकले हैं, तीन। अपना क्या नाम कहा है? पिता के नाम श्री राम नारायण की। यह कौन गाँव है? थाना कौन है? ये अपना की बीती रात्रि कैसन का घटना का से कहा जानी? घटना यह है कि जब इनसे लपटे तो हल्ला हुआ, हटका खोली नहीं जोर से, तो वह हटका बाद गिरा है तो भट्ट से भा, तो हम उठ के आई से बाहर तो कहीं से बिटुआ थे कहूँ ड्रामा कह रहे हैं आज जतनी दार हुआ कहा था हम कहीं से कहूँ ड्रामा कहे है, तो एक बार के एक मुक्का मारे ने मुहे मां ए मेर का मारन है, ये हमारे हाथ और दर्द है मारन है, तो कबा कहा भाग 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 भाग, तो तीन तो सारे वो कहते भागे हाँ, और दू बेटुआ का पछी आन रहे हैं जो हथियार ले रहे हैं। कत्ते लोग रहे? अब भंडार हम 5 का दिखा रहे हैं। कुछ लूटो पाट करी है? लूट पाट है तो एक ही हमारे खटिया के खा लिए धरी रही है, तो ही में 10-12,000 रुपया। कुछ पैसा कौड़ी मांगत रहे? नहीं, हम फोन चाहिए कुछ पैसा कौड़ी तो हम लोग प्रश्न नहीं आ भैया, हम तो जितनी बात केवल मारपीट करते हैं, मारपीट करते हैं, चीन के नहीं पान के कोवत रहे तब पेटी लेके चले गए हाँ, और हमका छोड़ के यही के ऊपर पड़े हैं।